असलम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरो करा, मेरे जिम लाइफ जीरो यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, ठीक है, खाने शाने अच्छे खा रहे हैं, गोश्त वगैरह खा के बॉडी बना रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी अगर आप नहीं जानते तो छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं कि जब आप स्टेरॉइड साइकिल करते हैं तो आपके जिस्म में काफी खराबियां हो जाती हैं, जिनको सीधा करने के लिए और अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए आप एक मेडिसिन थेरेपी करते हैं जिसको हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें कुछ मेडिसिन यूज होती है, जैसे कि इसमें नॉलोडेक्स इस्तेमाल होती है, क्लोमिड यूज होती है, और इसके साथ साथ HCG बहुत जरूरी कंपाउंड होता है, बहुत अंडररेटेड कंपाउंड है, लोग इसकी अहमियत नहीं जानते, लोग इसको यूज नहीं करते। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आज एक ऐसी पीसीटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल होगी नॉर्वेडेक्स पे और क्लोमिड पे। अब आप कहेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ HCG जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, HCG करना चाहिए, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी पीसीटी डिस्कस करूंगा जिसमें HCG है ही नहीं। क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कमेंट आते हैं, काफी ज्यादा मैसेज आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार हमने स्टेरॉइड साइकिल कर ली है, हमने अपनी पीसीटी अगर कर ही ली है स्टार्ट तो भाई हम HCG नहीं करना चाहते। उसकी दो रीजन जो कि मेरी समझ में आती है। नंबर वन ये है, HCG जो है खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगा होता है। HCG की प्राइस जो है पाकिस्तान में पर इंजेक्शन 3.5 से लेकर 5 हजार तक होती है, जबकि आपकी जो बाकी जो मेडिसिन होती है नॉर्वेडेक्स और क्लोमिड होती है वो भी महंगी होती है, लेकिन वो इतनी महंगी नहीं होती। यानी कि आपका जो HCG के 1 से 2 इंजेक्शन लगने हैं वही आपके 8 से 9 हजार रुपए के आने हैं। और जो दूसरी वजह मेरे जेन में जो कि हो सकती है वो ये है कि HCG का जो इंजेक्शन होता है वो ज्यादातर लोग इंजेक्ट करते हैं पेट में, तो मेरे ख्याल से लोगों को पेट में इंजेक्शन लगाने से काफी ज्यादा कबाहत होती होगी, वो इंजेक्शन यूज नहीं करना चाहते होंगे, पेट पे नहीं लगाना चाहते होंगे, तो इसलिए वो इससे चालू होते होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसी पीसीटी जो कि सिर्फ हम कर सकते हैं दो मेडिसिन के साथ, क्लोमिड के साथ, नॉर्वेडेक्स के साथ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट बड़े अहम है, ये आपने पहले ज़हन में डाल लेने, ये वीडियो देखने से पहले, उसको फॉलो करने से पहले। पहले ये कि मैं जो इस वीडियो में आपको पीसीटी बताऊंगा वो बड़ी एवरेज पीसीटी है, वो ऐसी लोगों की पीसीटी नहीं है जो कि 750 mg 1 ग्राम तक टेस्टोस्टेरोन लेते रहे हैं और वो पीसीटी करना चाह रहे हैं, उनके तो वैसे ही जो सिस्टम है वो खाना खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों पहली बात आपने ज़हन में ये रखनी है कि ये एक एवरेज पीसीटी है, एक एवरेज स्टेरॉइड साइकिल के बाद। दूसरी बात, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी साइकिल कितनी देर बाद अपनी पीसीटी स्टार्ट करनी है। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने हर स्टीरॉइड की बेसिकली जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है उनकी मैंने हाफ लाइफ बताई हुई है, उनमें मैंने ये बताया हुआ है कि स्टीरॉइड साइकिल अगर खत्म कर ली है तो इसकी कितनी देर बाद आपने पीसीटी स्टार्ट करनी है। वो वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो जाके देख लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पीसीटी की तरफ। हम सपोज करते हैं अपनी साइकिल जो है डेका टेस्ट ही की है, उसके बाद आपने करना है 12 से 15 दिन का गैप देना है, 1.5 से 2 हफ्ते का, उसके बाद आपने स्टार्ट करते हैं अपनी पीसीटी। पीसीटी कैसे करेंगे, पीसीटी में आपने 2 कंपाउंड यूज करने हैं, एक आपने यूज करना है नॉर्वेडेक्स और दूसरा यूज करना है क्लोमिड। जो पीसीटी होगी वो अभी 4 वीक यानी कि 1 महीने की होगी। आपने 1 महीने पूरे के पूरे आपने जो है मेडिसिन लगातार खानी है, दिन की छुट्टी नहीं होगी, किसी डोज की छुट्टी नहीं होगी। आपने जो है 30 के 30 दिन ये मेडिसिन खानी है। मेडिसिन कौन सी खानी है, नॉर्वेडेक्स खानी है और क्लोमिड खानी है। उनकी डोजेस क्या होंगी, उसकी डोजेस जो होगी पहले वीक के लिए वो होगी पर डे नॉर्वेडेक्स खानी है 20 mg पहले से लेकर 7वें दिन तक, और उसके साथ साथ आपने खानी है क्लोमिड। क्लोमिड जो है वो मिलती है मार्केट से 50 mg की पोटेंसी में, आपने डेली की पहले वीक में खानी है 50 mg क्लोमिड। आपका पहला वीक खत्म हो जाएगा, आपका दूसरा वीक स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे वीक से लेके तीसरे वीक के एंड तक यानी कि दरमियान में जो 2 वीक होंगे आपने खानी है 30 से 40 mg नॉर्वेडेक्स डेली, और आपने क्लोमिड की जो डोज है वो आप देख सकते हैं चार्ट में, वो आपने अगले 14 दिन के लिए रखनी है 50 mg ही रखेंगे आप। तो यानी कि आपके जो पीक वीक होंगे आपकी पीसीटी के, आपने खानी है 30 से 40 mg नॉर्वेडेक्स डेली और आपने क्लोमिड वही खानी है 50 mg। जो क्लोमिड की अभी डोज होगी वो आपकी थ्रू आउट द पीसीटी एक ही रहेगी। लास्ट वीक आ जाएगा पीसीटी का, आपने करना है, आपने दोबारा से जो है क्लोमिड आपने खाई जानी है 50 mg ही। आपने जो अपनी नॉर्वेडेक्स है उसकी डोज कर लेनी कम, वो आप कर लेंगे 20 mg पर डे पहले वीक की, और लास्ट वीक की जो डोज है वो सेम रहेगी। दरमियान में जो 2 वीक होंगे वो पीक वीक होंगे, उनमें आपने डोज थोड़ी सी बढ़ानी है। जो क्लोमिड है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, वो जिगर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो मेरे ख्याल से जो 50 mg क्लोमिड है वो बहुत है एक एवरेज स्टीरॉइड साइकिल की पीसीटी के तौर पर। क्लोमिड जो है वो खतरनाक है और कम इफेक्टिव है, इसलिए ही लोग HCG यूज करते हैं। तो अगर आपने HCG यूज करनी है तो आप क्लोमिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ज्यादा सेफ है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपका जेन मान गया कि भाई मैंने HCG वाली ही करनी है पीसीटी और मैं वो जानना चाहता हूँ वो कैसे करते हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसमें वो वाली पीसीटी मैंने आपको बताई हुई है जो कि आप करते हैं नॉर्वेडेक्स की और साथ करते हैं HCG की। तो दोस्तों मेरी अच्छी वीडियो कैसे लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे को टाइम को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।